गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू मेक अ क्राफ्ट. आज हम क्या करने वाले हैं? क्राफ्ट बनाने वाले हैं. तो कौन सा क्राफ्ट बनाने वाले हैं पता है आपको? नहीं तो चलो फिर देखते हैं हम कौन सा क्राफ्ट बनाने वाले. नाउ ओपन द बुक एंड पेज नंबर 8. देखो पेज नंबर 8 पे हमें क्या दिखाई देता है? सैन मतलब राजहंस. हंस हम हंस का क्राफ्ट बनाने वाले हैं. उसके लिए हमें क्राफ्ट पेपर लगेगा है ना, जो हमारे बुक के लास्ट पेज पे है. तो आपको पता है कुछ इंफॉर्मेशन दिए. ये क्या है? एक जल पक्षी है. क्या है? एक जल पक्षी. और यह आकार में बड़ी और लंबी गर्दन वाली होती है. यह आकार में कैसे होती है? बड़ी और लंबी गर्दन वाली होती है. यह आमतौर पर सफ़ेद रंग का ही होता है. ये स्वैन कैसे होता है? सफ़ेद रंग का. चलो बच्चों आज हम क्राफ्ट बनाएंगे. इसके लिए हमें क्राफ्ट पेपर लगेगा जो हमारे बुक के लास्ट पेज पे है. चलो देखो हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, हमें उन्हें फॉलो करना है. नंबर 1 पे क्या दिखाई देता है? वैसे उसी तरह का हम पेपर रखेंगे और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे. मैंने इस तरह से फोल्ड करके फिर हमें इस तरह से ये फोल्ड करना है. देखो ये मैंने दोनों को फोल्ड कर दिया है. देखो बिल्कुल इसी तरह. और बाद में हमें इसकी तरह किया, अब हमें फिर से इसे फोल्ड करना है दोनों साइड में इस तरह से. ये मैंने ये फोल्ड कर दिया है. अब हमें क्या करना है इसको? ये ऐसे इस तरह से हमने ये फोल्ड बना दिए है दोनों साइड में. सेम प्रोसीजर करना है. बाद में नेक्स्ट नंबर देखो हमें क्या करना है. अब इस तरह से ये फोल्ड करना है. देखो ये हमारा फोल्ड रेडी हो गया है. अब हमें क्या करना है? उसकी गर्दन बनानी है ना. ये हमारे स्वैन की गर्दन है. अब हमें इसे इस तरह से ये हमने इसकी देखो ये हमारा स्वैन रेडी हो गया है तरह से. इसे फोल्ड करके अब हमें उसकी आइज निकालनी है. देखो अब हमें क्या करना है? इस तरह का क्राफ्ट बनाना है. बिल्कुल आसान है कि नहीं? बस ऐसे क्राफ्ट बनाना है और पेज नंबर 13 पे हमें ये स्टिक करना है ना. तो पेज नंबर सॉरी मैंने 13 बोला, पेज नंबर 14 पे हमें ये स्टिक करना है. तो आपको क्या करना है? इसी तरह का क्राफ्ट बना के यहाँ स्टिक करना है और ग्रुप पे फोटो क्लिक करके ग्रुप पे सेंड करना है. आज के लिए हम यही क्राफ्ट करेंगे. फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्राफ्ट लेके. तब तक के लिए बाय.